जब मैं स्टार्ट किया था ना तो लोग पूछते थे ये धंधा कर रहा है बिजनेस करता है बिजनेस बोलते थे बिजनेस बिजनेस कर रहा। अब एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं एंड मॉम्स आर एबल टू टॉक अबाउट इट। आपने भी बोला सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज बिकमिंग अ नॉर्म और ये शुरुआत। एनीथिंग दैट कंज्यूम्स माय टाइम चाहे वो सोशली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो आई एम लर्निंग टू रूथलेसली से because you know I always think of the smiling face of my 1.5-year-old and I'm like worth it. We don't hire people jo naukri dhoond rahe ho because jaise log hame chahiye hote hain wo naukri dhoondte nahi hain. Ooh, ab poach karte ho, poaching mein believe karte ho, poaching ya approaching. अगर आप एक सीक्रेट क्वेश्चन है पूछोगे ना तो लड़कियां लाएंगे हमें को CXO बनना है, CEO बनना है, फाउंडर बनना है, पर आप उनको इंटरव्यू में पूछोगे कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, बोलेंगी आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या मुझे हायर करती? Absolutely, but would you have joined me? हर कोई शार्क टैंक को एक बहुत ग्लैम पर्सपेक्टिव से देखता है, स्पेशली जजेस को, और सबसे रीचेबल आपके रिलेटेबिलिटी की वजह से आप हो। व्हाट लाइफ टीचेस यू ना, यू नो नथिंग एल्स कैन टीच। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ को भी बड़ा स्ट्रेस हुआ था कि माय डॉटर वेंट इनटू अ गुड हाउस एंड दिस गाय वाज पढ़ा लिखा आदमी है एंड सडनली शी इज लाइक यार इसने नौकरी छोड़ दी अब ये बिजनेस करेगा और उसका भी कुछ पता नहीं क्या होगा। सो शी गॉट टेंस्ड। मतलब जब वो मेरे को मिलती थी ना कैसा उनका मेरी आंखों में दिखता था कि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है कि यार बेटी कमाती है और ये निकम्मा निकल रहा है मेरा दामाद। तो जितना आप घिस के सीख सकते हो ना, जितना आप हार्डवर्क से सीख सकते हो, जितना आप गिर के सीख सकते हो ना, उतना आप किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। तो मैं बहुत सीखा हूँ अपनी पुरानी फेलियर्स से और मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मेरे फेलियर्स रहे हैं। आदमियों और औरतों के बीच लीडरशिप स्टाइल्स का डिफरेंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे चली थी तो मैंने सब बुक्स, स्टीव जॉब्स, लैरी एलिसन, सारी जितनी एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स सब पढ़ डाली थी। मैं सोचती थी कि मुझे उनके जैसे ही बनना है। उनके जैसा बनना मीन्स ऑफकोर्स आपकी एक अग्रेसिव विजनरी स्टाइल होती है जहाँ आप एक एम्बिशन पेंट कर पाते हो। एक रूम ऑफ से इन्वेस्टर्स को ले लो जहाँ ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड वल्नरेबिलिटी, वो मेरा स्टाइल था जो बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, राइट? बिकॉज यहाँ पे द मोमेंट आप सेल कर रहे हो एक विजन, थोड़े से ख्याली पुलाव तो बनाने पड़ते हैं। जबकि आप अगर बहुत रेडिकली ट्रांसपेरेंट इंसान हो, ऑनेस्ट हो, तो आप जैसे है वैसे बताते हो। थी एंड मैंने बहुत टाइम तक ट्राई किया कि मैं वैसे बनूं। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नॉट ओनली मी बट देयर वाज अ फाल्गुनी नायर हु फाउंडेड नायका, उनको उन्होंने लिस्टिंग कराई। देयर इज अ राधिका गुप्ता एंड देयर इज अ नमिता थापर एंड बहुत सारी विमेन लीडर्स से मैंने जब इंटरेक्ट किया, मैंने रियलाइज किया कि काफी सारी मेरी सिमिलर थी इन टर्म्स ऑफ लीडिंग विद वल्नरेबिलिटी, लीडिंग विद ऑनेस्टी एंड स्पेंडिंग मोर टाइम कोचिंग मेंटरिंग में। ये जो एक डिफरेंट क्लास ऑफ लीडरशिप है जिसको सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं, कोचिंग, एम्पावरिंग लोगों को, बीइंग वल्नरेबल, बीइंग ऑनेस्ट, आई थिंक जनरली विमेन इसमें स्ट्रॉन्गर होती है। एंड ये जो जनरेशन चेंज हो रही है इससे मैंने रियलाइज किया है कि फ्यूचर में यही स्टाइल वर्क करेगी। मैं 24 साल की उम्र में एक एंटरप्रेन्योर थी, मैं इंडिया वापस आई थी, ऑनेस्टली मेरे पास पैसे भी नहीं थे, आई कुड हैव नॉट थॉट ऑफ हैविंग अ चाइल्ड देन। विमेन को लोग हर बात पे जज करते हैं, चाहे उनका काम हो, चाहे उनका बर्तावा हो, चाहे उनका चेहरा हो। माओ को तो लोग बहुत ही ज्यादा जज करते हैं। आई रिमेम्बर समवन इन माई ऑफिस टोल्ड मी डिलीवरी से एक हफ्ते पहले, आप ना सिजेरियन मत करवाना, आप नेचुरल डिलीवरी करवाना। आई वाज लाइक आप कौन होते हो मुझे बताने वाले ये? दिस वाज अ गाय बाय द वे। सो हर बात पे आपको जज करते हैं। अच्छा आपने सिजेरियन करवाया तो आप लेजी थे क्या? देखिए आप एक लड़की से बात कर रहे हैं जिसने 17-18 साल ऑफिस में अपनी जिंदगी काटी, जिसने बोर्ड मीटिंग्स, वर्क, स्ट्रेटजी ये सब देखा है। सडनली वो डाइपर्स और ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रही है पूरे दिन। इट इज डिफिकल्ट, माइंडसेट स्विच होता है। नहीं, यू थिंक ये मेरी जिंदगी, ये तो नहीं बन के रह जाएगी। स्विगी असली प्रॉब्लम बनी थी। Swiggy has forever been a problem for us, but Swiggy had once raised $1 billion. We had almost nothing in our bank at that. वहाँ से आप आगे कैसे गए? हमने अपना UAE का बिजनेस बेचा, $170 million वहाँ से आ गए। धीरे 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 फाइट मारते रहे, मेहनत करते रहे। इतने ही पैसे हैं, यहाँ तक पहुँचना है, इतना टाइम है, गन टू योर हेड, सॉल्व इट। तो फिर सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व करना अगर आपने तो आप बाहर जाओ, कोई और सॉल्व कर लेगा। There's a very big problem in entrepreneurs today that they start feeling that they have cracked it. They know it all. मैं आज तक सीख रहा हूँ. So I feel learn from people around you. Learn from. I love learning from college students because बहुत जो energy उनमें होती है ना. लोग सोचते हैं वो मेरे से सीखेंगे. मैं उनसे सीख के आ रहा होता हूँ. कुछ सीखा है Gen Z's के बारे में? Is it very different than working with older people? Yeah, Gen Z's are way smarter than what we were when we were that age. And I think potential is huge, but
they have less patience than what we used to have at that age. And patience is a virtue which is required at work. Gen Z life में किसी को judge नहीं करते। वो मतलब आपको बस judge करने के लिए judge करेंगे। कुछ भी कोई कैसा हो, बहुत ज़्यादा different है। उनको ये सारा जो इतना hustle था हमारी generation में, वो बहुत कम हो गया। I think they are more sorted that way. Say अगर मैंने YouTube छोड़ा, सब podcasting छोड़ी, आप मुझे किस role के लिए hire करती? I wouldn't have hired you for a role, because मेरा मानना है that people who are young and exceptionally talented, वो कभी किसी रोल के लिए नहीं हायर होते, वो पोटेंशियल के लिए हायर होते हैं. टुमारो आई वुड रियलाइज, जब मैं आप जैसे बंदे को हायर करूंगा, आई विल नॉट से कि आज की हायरिंग के लिए, मैं 10 साल का विजन आपको लेके हायर करूंगी. ट्रूली हाई पोटेंशियल लोगों को मैं कहती हूँ, आप ये ना रोल और डेजिग्नेशन से प्लीज मत ऑब्सेस होना, क्योंकि ये आज का रोल और डेजिग्नेशन है. आप जर्नी से ऑब्सेस होना, आप कल्चर से ऑब्सेस होना, आप लोगों से ऑब्सेस होना, रोल बनता जाएगा. कहाँ से हायर करते हो यूजुअली इन इंडिया? It's better to grow from within. क्यों? Zomato is slightly like 15 years old. So we have enough people जो कि 5-6 साल पुराने हैं. हम अच्छे लोग ढूंढ के then we work on them at least the mid to senior level. Hiring process is very long. It's like courting, dating like for 6 months, 12 months and then we are able to get people. So it's दूसरा आप में एक agility होनी चाहिए. लेकिन मुझे लगता है दुनिया में बदला. हम सबके बिजनेसेस में हर 2-3 साल आपने कंटेंट में देखा हो. हमारी दुनिया में हर 3 महीने में बदलाव. हाँ, क्या तो हर 3 महीने बदलाव. ना आई हेट हियरिंग कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है. मुझे उन शब्दों से ना एलर्जी है. तीसरा, इन मनी मैनेजमेंट बिजनेस एक सेंस ऑफ एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी सबसे बड़ी वो कमोडिटी ट्रस्ट है. 1.2 लाख करोड़ के कोई मायने नहीं है, उनके वो मेरे पैसे नहीं है, वो और लोगों के पैसे हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझे दी गई. यार शार्क टैंक ना बड़ा सही चीज है, लोग देख रहे हैं, उन्हें बोट पता है, एंड दे आर एबल टू रिलेट दैट ये बंदा है बोट के पीछे, अमन गुप्ता. एंड नाउ समीर ऑल्सो, यू नो आई कीप एंटरप्रेन्योर के लिए कितना अच्छा पता है, जो आता है उसकी सेल बढ़ जाती है, ओवरनाइट ब्रांड बन जाता है. जिस बंदे को 15 मिनट में एड करना टीवी में, 5-10 सेकंड का एड लेने में ना 15-15 लाख रुपए लग जाते हैं, वो बंदा शार्क टैंक पे आता है, इंस्टेंट हिट है बॉस, वो ब्रांड बन जाता है. अगर तुम 10 मिनट तक टीवी पे आ रहे हो ना, ओवरनाइट ब्रांड सेंसेशंस बन जाते हैं. इट्स लाइक 10 करोड़ की ब्रांडिंग तो तुम्हें फ्री मिल रही है. अगर शार्क मिल जाए तो और फायदा है, बिकॉज़ मेरे को ना अपनी लाइफ में कभी मेंटर्स नहीं मिले जा रहा हूं. अगर मैं किसी की हेल्प करूं मुझे अच्छा लगता है. एज फाउंडर्स अगर तुम्हें शार्क टैंक में शार्क मिल जाए, अच्छा शार्क मिल जाए, मतलब डिपेंड्स राइट. और कंट्री के लिए बहुत अच्छा है बॉस. एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत खूबसूरत रही. इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि शायद मेरे करियर का मोस्ट गोल्डन पीरियड मेरी प्रेगनेंसी में था. एडलवाइस म्यूचुअल फंड लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो गई. मैंने जितने अवार्ड्स अपनी प्रेगनेंसी में जीते हैं, उसके बाद शायद आई डोंट नो इफ आई विल एवर विन. आई रोट अ बुक, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लीडर बनी. मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं. मैंने प्लान नहीं किया था कितनी मटर्निटी लीव लूँगी. मैंने अपने बॉस के साथ भी नहीं डिस्कस की थी. इट कुड हैव बीन शॉर्टेस्ट मटर्निटी लीव इन हिस्ट्री. और 6 हफ्ते बाद मैं ऑफिस चली गई. एंड मेरे कॉलीग्स बॉसेस ने पूछा कि आप क्यों आई हैं, हम तो चाहते थे आप रेस्ट करें. मैंने कहा मैं आपके लिए वापस नहीं आई हूँ, मैं अपने लिए वापस आई हूँ. तो आई थिंक ये दोनों साइड चेंज होना है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर बड़े बिजनेसेस बनाने हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो हमें एम्बिशियस होना पड़ेगा. हमें अपने आप पे और बिलीफ, दैट बिलीफ अपने में स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी. मेरा काम मुझे एक बेटर माँ बनाता है और मेरा माँ बनना मुझे एक बेटर प्रोफेशनल बनाता है, और दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. इन शॉर्ट समराइज करने की कोशिश करूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट ड्रिवन माइंडसेट, आरओआई ड्रिवन माइंडसेट, ह्यूमिलिटी और कांस्टेंट फीडबैक लूप्स एंड हसल. बेसिक्स इज व्हाट मैटर्स इवेंचुअली. अपने ग्राहक को समझो और सही काम करो, पैसे बनाओ, पैसे बनाओ.